अभी 11 माह से ज्यादा का समय हम लोग हो गया है कॉन्सेप्ट विदा पीपल समर्थ संघ। दो शब्दों का कॉन्सेप्ट है, जुड़े और जोड़े। इसको हमारे बहुत सारे साथी 11 माह से भी अधिक के समय में निरंतर अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भावनाओं में व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि जुड़े तो कुछ होगा, क्योंकि अब तक विदा पीपल एक अजीब सी नींद में था 70-75 साल से, कि जो भी विदा पीपल के पास आता था उसको वो सहयोग करता था, उसको जिस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती थी वो देता था, और जिस जिसने भी उसको कहा कि मैं बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने के लिए आपके पास आया हूं, वो उसके सहयोग में खड़े हो जाता था। लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, हम लोग देखते रहे, लेकिन एक अजीब सी हलचल कुछ समय से शुरू हुई कि हमने क्या वास्तव में अपना काम किया, क्या जो हमें अधिकार मिले थे, जो बाबा साहब ने संविधान में निहित करके दिए थे, उन अधिकारों के साथ क्या हमने कभी अपने कर्तव्य को समझा, या केवल अपना हल्का सा अंशदान दे करके हमने ये समझ लिया कि हाँ हमारा कार्य हो गया, हमने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लिया। क्या हम वास्तव में आज किसी के ऊपर उंगली उठाने की पोजीशन में हैं कि जो बाबा साहब ने 6,743 जातियों को 3 जगह इकट्ठा किया था, उनको इकट्ठा करने के लिए जिस प्रकार से 29 लाख संगठन और 4 लाख एक्टिव हम बताते हैं रोजाना, इतने में लोगों ने अपने आप को बांट लिया, उस जोड़ने के कार्यक्रम में हमने सहयोग किया था, या हमने स्वयं एक ऐसी जगह योगदान अंशदान देने की कोशिश की थी जहां हम अपने मूल कर्तव्य से भटक गए, ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि अभी निरंतर जो नागपुर की मीटिंग हुई है उससे एक बात चली है कि जो 75 साल में एक एक जनपद में हमारे साथी इतने टूटे हैं कि उनको खुद को नहीं पता कि कितने टुकड़े हैं उनके, केवल एक छोटे से जनपद में। जब उनको ये लगता है हम टूट गए, बहुत जगह बट गए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उनको इकट्ठा करने का प्रोग्राम चलाए कौन, वो जुड़े कैसे। बहुत सारे लोग आते हैं आगे और बताते हैं भाई हम अच्छा काम करेंगे, हम जोड़ेंगे इनको, लेकिन उस जोड़ने के क्रम को, कार्य को करने के लिए व्यक्ति व्यक्तियों से जोड़ने की चेष्टा करता रहा बहुत समय से। अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं या हमारे साथियों ने जितनी भावनाएं व्यक्त की हैं, और जो जोड़ने को कार्य माना गया पहली बार भारत में, और हमने अपने कार्य को करने की चेष्टा करनी शुरू की है, तब से हमने देखा है कि लोगों में एक अजीब सा उत्साह है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा जो हम भूल गए थे, कुछ ऐसा जो हमें याद नहीं था, कुछ ऐसा जिससे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा जो महापुरुषों ने हमें दिया था हमें समझ में नहीं आया था, कुछ ऐसा मिल गया है जिस पर चला जा सकता है, दौड़ा जा सकता है, और हम स्वयं के योगदान के द्वारा उस कार्य को जो महापुरुषों ने छोड़ा था, उन अधिकारियों को जो महापुरुषों ने हमें दिलाए थे, उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पीढ़ियों को हस्तांतरित भी कर सकते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं तीन पीढ़ियों में जो 70-75 साल में आई वो किस तरह से कहां तक आई और किस प्रकार से पूर्णतया अब विनाश के कगार पर हैं, समाप्ति के कगार पर हैं। 10-15-20 साल का समय बचा है जब ये पीढ़ियां नौकरी वाली, व्यवसाय वाली या किसी भी प्रकार का जो राजनीतिक आरक्षण लेकर के उन पदों को सुशोभित करने वाली शक्तियां जब समाप्त हो जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इतिहास देखा है, इतिहास पढ़ा है और वर्तमान में सोचा है, कार्य किया है, इन सब के आधार पर जब एनालिसिस होता है तो हमें लगता है कि आज हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारे सामने कुआ है और पीछे खाई। ऐसी स्थिति में हम लोगों को हिम्मत बनती है, एक रास्ता दिखता है, वीदा पीपल समर संघ, वो हमारे अंदर एक आत्म साहस को जागृत करता है, हमें एहसास दिलाता है कि इतनी सारी चारों तरफ अंधकार में होने के बाद भी हम अगर इस रास्ते पर चलते हैं, हमें जो महापुरुषों ने, तथागत बुद्ध ने या उनके समय से भी पहले से चल रहे इस समण संघ को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपना योगदान इसमें देते हैं, तो शायद हम अपने हिस्से का काम कर पाए और बाकी आने वाले साथियों को भी एक रास्ता ऐसा दे पाए जिस पे चल करके हमारे जितने अधिकार गए थे उसको हम वापस पा सकते हैं। हमने जीवन में कोशिश की है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक क्या परिणाम आ सकता है उतना काम कर लें, उतना भी करने के लिए हमारे बहुत कम साथी ऐसा सोच पाते हैं, लेकिन ऐसा काम कर लें जो महापुरुषों ने किया, जो हमें आज ऐसा जीवन मिला, इस विचार को सोचने के लिए हमारी समझ और हमारी सोच शायद पीछे रह जाती है, निम्न स्तर पर आती है। एक कभी मैंने सुना था, एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेले पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, दोपहर के समय में भीड़ कम होती है तो एक रास्ता होता है जहां से सारे लोग गुजरते हैं, वहां कुछ वो लोग जो कुछ मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं वो रास्ते के दोनों ओर बैठे रहते हैं। एक व्यक्ति वहां से निकलता है और वहां देखता है कि कोई एक इस तरह का व्यक्ति खाना खा रहा है, उसके हाथ में एक रोटी है, रोटी पर टुकड़ा तोड़ता है, रोटी पर लगाता है, खा लेता है। जो व्यक्ति उसको ध्यान से देख रहा होता है वो देखाता है कि उसकी रोटी पर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो टुकड़ा तोड़ करके रोटी पर लगाता है, वो खाता है। ऐसा दृश्य देख करके उसको रहा नहीं गया, वो उसके पास गया, उसने उससे कहा कि भाई आप ये बताइए, मैं जब गुजर रहा हूं मैंने आपको देखा है कि आप रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, रोटी पर लगाते हैं और उसे खा लेते हैं, जबकि मैं देख रहा हूं आपकी रोटी पर कुछ भी नहीं है। वो बड़ा सनक में कहता है, वाह आपको कैसे पता कुछ नहीं है? बोले फिर बताइए क्या है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बोले मैंने दिमाग में सोच रखा है कि इस रोटी पर नमक रखा हुआ है। तब वो व्यक्ति अपने हाथ में सर में हाथ मारता है, उससे कहता है अबे तू रहा भिखारी का भिखारी, अगर तुझे सोचना है तो रोटी पर सोच मक्खन रखा है, रोटी पर सोच कोई अच्छी सब्जी रखी है, रोटी पर सोच कोई घी रखा है, ये कुछ ऐसा सोच जो बेहतर हो। तो इस देश में एक विसंगति है हमारी सोच की, हम सोचता कैसे हैं? क्या हम केवल अपने तक सीमित सोचते हैं? क्या हम केवल अपने परिवार तक सीमित सोचते हैं? क्या हम केवल अपने शहर तक सीमित सोचते हैं? हमारी सोच कितनी रेस्ट्रिक्टेड है, इस बात पर हमारा जो विश्लेषण है, जो आत्मचिंतन है, वो आकर रुक जाता है।
क्योंकि हमारी सोच जितनी छोटी होगी उतना ही छोटा कार्य हम कर पाएंगे जीवन में, और उसका परिणाम है हमारे जितने भी लोग हैं इस देश में जो कार्य करने वाले थे या हैं या कर रहे हैं, उस सोच के आधार पर अपने आप को कहीं ना कहीं मर्ज नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो सोच थी, जो समझ थी, जो कुछ अचीव करने का हिम्मत थी, साहस था, वो उनको वहीं पर रोक दिया। इसलिए हमारी लड़ाई आज अधर में है। हमने कभी बड़ा नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सोचा जो बाबा साहब जिनकी जयंती हम मनाने वाले हैं इस देश में, एक एक जनपद में कई कई सौ जगह पर जयंती मनाई जा रही हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि बाबा साहब ने जितना फेस किया, जितने दृश्य उनके जीवन में आए, उन्होंने कितनी कठिनाइयां सही, क्या क्या गालियां सुनी, किस किस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ। लेकिन जब संविधान लिखने की बारी आई, जब संविधान लिखा गया, तो पूरे संविधान में किसी आर्टिकल में ऐसा शब्द देखने को नहीं मिलता, ऐसा वाक्य देखने को नहीं मिलता कि जिस व्यवस्था ने, जिन लोगों ने उनके जीवन को इतना कटु कर दिया था, उनके समाज के जीवन को इतना कटु कर दिया था, उनके प्रति भी एक शब्द कहीं ऐसा हो कि उसमें कहीं कोई बदले की भावना, कहीं कोई ईर्ष्या, कहीं कुछ भी ऐसा शब्द दिखाई दे, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है। हमें अपनी सोच को ऐसा करना पड़ेगा कि जो भाई हमारे हमसे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हमारी एक रहती है, हम नौकरी में आ गए, हम व्यवसाय में आ गए, और हम ये आरोप लगाते हैं जहां से हम निकल करके आए, जिनका हिस्सा लेकर के आए, जिनकी संख्या के बल पर हमें किसी भी प्रकार के अधिकार मिले, और हम ये कहते हैं कि हमसे वो लोग ईर्ष्या करते हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि अगर वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे तो दूसरे से ईर्ष्या कैसे करते हैं जिसे वो जानते ही नहीं, उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं है बड़े होते हुए, उन्हें नहीं पता कौन टाटा, कौन बिरला, कौन अंबानी, कौन देश का राजा, उन्हें सिर्फ ये पता है मेरा एक भाई था, वो मेरे पास रहता था, और वो मेरे देखते देखते पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, वो उसने शहर पहुंच गया और उसने बहुत आगे जीवन में तरक्की कर ली। तो उसका अगर कोई ईर्ष्या का पार्ट होता भी है, अगर वो ईर्ष्या करता भी है, तो वो इस कारण से करता है क्योंकि उसने आपको देखा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको उसकी ईर्ष्या समझें या मानवीय व्यवहार समझें कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से उठ करके आगे चलता है और कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं चल पाता है, तो वो उससे ईर्ष्या करेगा, उससे द्वेष करेगा, या उससे इंस्पायरेशन लेकर के उसके नक्शे कदम पर चलेगा। तो हमने जिस प्रकार से उनको ये कह के छोड़ दिया कि ये साथी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हम आकर के अलग बस गए, हमने अपने बच्चों में, अपने परिवार में अपने आप को उलझा लिया, हमने अपना जो जो अधिकार हमें जहां से मिले थे, जिनकी संख्या के बल पर हम आजीवन को इस लायक जीने लायक हुए थे, अगर हमने उनको छोड़ दिया और आज हम ये कहने लगे कि इनको समझाना बेकार है, इनको बैठना बेकार है इनके पास में, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अगर ऐसा होता तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, जो इस देश का अच्छे से अच्छा राजा समय आने पर उन्हीं लोगों के बीच में जाता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, तो ये बाबा साहब ने जो लोकतंत्र में जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति जो वी द पीपल आम आदमी के पास थी और है, उसको शायद हम लोगों ने, जिनको प्रतिनिधित्व, जिनको आरक्षण या जिनको अधिकार मिले थे, उन लोगों ने उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन नहीं किया। अगर उस जिम्मेदारी को निर्वहन किया जाता तो शायद आज स्थितियां अलग होती, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब 70 से 75 साल बाद में हमें अपने आप को इकट्ठा करने का मौका मिला है, हमें अपने आप को जानने का मौका मिला है, हमें अपने आप को समझने का मौका मिला है, हमें अपने अंदर के विकारों को दूर करने का मौका मिला है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या सामने वाले के अंदर नहीं है, विकार, समस्या जो भी चीज है वो हमारे खुद के अंदर है। और इसका हमने एनालिसिस किया 11 माह के अंदर,
जब हम संघ के रूप में बैठे, संघ के रूप में सोचना शुरू किया, संघ के रूप में फैसले लेने शुरू किए, तो हमने देखा कि बहुत सारे साथियों ने अपने आचरण को, अपने व्यवहार को संघ के अनुरूप ढालने की कोशिश की। लेकिन जिन जिन साथियों ने ऐसा करने की कोशिश की और ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस संघ के अंदर ही बहुत सारी चीजों को ऐसा निकालने की कोशिश की कि ये संघ किसी व्यक्ति का है, इस संघ को कोई व्यक्ति चला रहा है, इस संघ को भी एक संगठन के रूप में ले लिया जाएगा, इस संघ का उद्देश्य भी केवल और केवल राजनीति में जाना होगा। मींस जिसने अपने व्यवहार और अपने आचरण में परिवर्तन नहीं किया, उनको इस संघ में बुराइयां दिखने लगी। लेकिन जिन्होंने अपने आप को इस संघ के अनुरूप ढाला, उनको अपने अंदर की बुराइयां दिखी, उन्होंने उन बुराइयों को दूर करना शुरू किया और ये तय किया कि अब हमें केवल और केवल जुड़ना है। इस देश में इस कार्य को अभी तक नहीं किया गया, ये पहली बार कार्य हो रहा है। जुड़ जाएंगे तो जितनी भी तरह की समस्याओं से हम आज तक ग्रसित हुए हैं, यह जो समस्याएं वर्तमान में हैं, यह जो समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं, उन सब का समूल नाश हो जाएगा। क्योंकि हमारे पूर्व में जितने भी इतिहास पुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से व्यवस्थाओं को बदला है, समाज की जो संस्कृति है उसको बदलने की कोशिश की है। जब वो व्यक्तिगत रूप से बदल सकते हैं, जब वो सामूहिक रूप से लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे लोगों ने जीवन बदल दिया अपना, तो जब हम संघ के रूप में निरंतर कोशिश करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे और इस संघ के अनुरूप कार्य करेंगे, इस संघ के अनुरूप सोचेंगे, समझेंगे, तो हम अपने आप को भी लड़ने के लायक बना लेंगे। क्योंकि आज लड़ाई का स्वरूप बदल गया है, आज लड़ाई आमने सामने की नहीं होती है, आज लड़ाई की जो तरीका है वो बदल गया है। उसको हमें समझना पड़ेगा अपनी सोच के आधार पे। जो व्यक्ति इतना उच्च दृष्टि से सोच सकते हैं, जिनके पास विजन है, जिनके पास समझ है, उनको केवल और केवल एक ही काम दिख रहा है कि सिर्फ हम जोड़ते रहें, जोड़ते रहें। तो इस जोड़ने के कारवां में जिस तरह से निरंतर गति आ रही है, हमने इमेजिन नहीं करते हैं। क्योंकि मैं खुद नेटवर्क के कार्य को भी देखता हूं, तो मुझे हर वक्त ये पता रहता है कि हमारे साथी इस संघ में कहां कहां से जुड़े हैं, कितने साथी जुड़े हैं, कहां पर फिजिकल मीटिंग में योगदान दे रहे हैं, कहां पर जूम मीटिंग में योगदान दे रहे हैं। तो अभी नागपुर में जो मीटिंग 2 अप्रैल को संपन्न हुई है, हमारे साथियों के प्रयास के द्वारा, जिसमें रमेश कटके सर हैं, माधव एस जामुले सर हैं, वहां की बहुत सारी पूरी टीम है, उनके द्वारा हमारी कोशिश थी कि हम वहां पर 500 लोग इकट्ठा हों भारत के कोने कोने से। लेकिन जब वहां पर देखा तो हमने पाया कि 620 साथी वहां पर जुड़े, जिसमें से 200 से ज्यादा साथी 12 अन्य राज्यों से आए हुए थे, जिनको किसी ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया था। 12 स्टेट के साथी वहां पर उपस्थित होना बगैर किसी इनविटेशन के, केवल संघ का आदेश हुआ था, संघ में निर्णय हुआ था कि 2 अप्रैल को महाराष्ट्र नागपुर नागलोक पहुंचना है, और वो साथी एक कॉल पर स्वयं स्वेच्छा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने निजी खर्च पर वहां पर पहुंचे। इससे सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ तो है हमारे सोच में, हमारी समझ में, हमारे जीन में, हमारे ब्लड में, ऐसा कुछ है जो नेचुरल चीज है। अगर वो नेचुरल चीज है तो अब उसको रास्ता मिल गया है, और इसको अब रास्ता मिल गया है तो अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है, जो साथी इसको समझ चुके हैं, इस मूल जिम्मेदारी को सबसे पहले उनको निर्वहन करना है। क्योंकि कल का कार्य कल के लोग करेंगे, आज का कार्य हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें आज समझ में आ गया है और समझ में सबको आना है। किसी के पास भी इसके अलावा 11 महीने के अंदर हमारे निरंतर बार बार पूछने पर भी कोई साथी ये नहीं बता पाया कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे अच्छी चीज कोई ऐसी जुड़ने की है जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है। हमें किसी भी कीमत पर अपने और अपनी पीढ़ी के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के कष्टों का निवारण चाहिए। हमारे बहुत सारे साथियों को लगता है कि हम कुछ बना देंगे। अगर हम इस देश के अंदर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो हम शायद अपने साथ या इस देश में न्याय नहीं कर पाएंगे। बनाना सिर्फ हमें इतना है
कि जितनी चीजें हमारे महापुरुषों ने बनाई हैं उसको हम एडॉप्ट कर लें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के द्वारा तैयार किए गए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आम आदमी के काम में आना शुरू हो जाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास अवेलेबल है हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें, उसका उपभोग करना शुरू कर दें। लेकिन ये सब चीजें हमें तभी कर पाएंगे जब हमें समझ हो इस देश में लड़ाई कहां से शुरू होती है और किस प्रकार की लड़ाई होगी। आप सभी भली भांति विदित हैं जिस प्रकार से इस देश के अंदर हम देखते हैं क्रिकेट का बड़ा चलन है। क्रिकेट में दो टीमें खेलती हैं, एक रात को हार जाती है और एक जीत जाती है। अगले दिन वो पूरी टीम अपनी सारी फुटेज को देखती है कि हमने गलतियां कहां कहां की। वो टीम ये नहीं देखती कि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों ने कहां कहां अच्छाइयां की थी, क्योंकि उनके अच्छे करने से, उनके मेहनत करने से वो नहीं हारी होती है, बल्कि वो केवल और केवल अपनी गलतियों से हारी होती है। इस प्रकार हमारे जो श्रवण संघ के साथी हैं निरंतर ये देखते हैं कि हमने गलतियां कहां की, कहां हम गलतियां कर रहे हैं और क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं उन गलतियों में, कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। तो जो साथी श्रवण संघ को समझ चुके हैं, जिनको वी द पीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वो निरंतर अपनी गलती भी सुधार रहे हैं और निरंतर लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों काम हमें एक साथ करने हैं। अगर हम केवल अपनी गलती सुधारते रहेंगे तो जोड़ने का काम पीछे रह जाएगा। तो हमें अपनी गलती पे नजर रखनी है और हम ऐसा नेचुरली कर रहे हैं। हमें जो भी समस्या आ रही है, हमें जो भी चीज सामने दिखती है, हम नेचुरली उसको चेंज कर लेते हैं। और नेचुरली जब हम चेंज करते हैं तो हमारे साथ में जितने भी महापुरुषों का त्याग है, बलिदान है, वो सब हमारे नजर के सामने होता है। हमें वो एनर्जी मिलती है कि हम अपने आप का जीवन भी बेहतर कर पाए और एक व्यवस्था, एक सिस्टम जो हमें समझ में आया है, जिसको हम भूल गए थे, जो श्रवण संघ के रूप में हमारी नजरों के सामने था लेकिन हमें याद नहीं कर पाए या हम उसको देख नहीं पाए, अब वो हमारे सामने है। हमें निरंतर अब इसमें अपनी शक्ति को निहित करते जाना है, क्योंकि अगर हम बहुत कम लोग इस देश में पूरा जीवन अर्पण कर पाए लेकिन परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन जितनी संख्या हमारे देश में है, अगर ज्यादा लोग बहुत कम काम करेंगे तो शायद हम परिणाम को जल्दी अर्जित कर लेंगे और काम भी ज्यादा कर पाएंगे। हमें इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूर्ण रूप से चेंज कर देना है कि मेरे हिस्से का काम कोई और करेगा, अम्बेडकर किसी और के घर में पैदा होगा, या मैं केवल और केवल अपना थोड़ा सा पैसे का अंशदान देकर के अपने कर्तव्य से विमुक्ति पा सकता हूं। इन सब चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें एक कार्य करना पड़ेगा कि कम से कम अपने साथ 10 लोग जरूर जोड़ लेने हैं। ये प्रथम चरण है जोड़ने का। अगर 10 लोग हम जोड़ लेते हैं, वो भी ऐसे लोग जिनके साथ हम अपने आप को आसान महसूस करते हैं, जो श्रवण संघ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जान चुके हैं, जो इसको समझ चुके हैं, इस तरह के 10 लोग अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा प्रथम चरण पूरा होता है। अगर हम इस कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बहुत उत्साह दिखाया इस चीज के लिए और उन्होंने ऐसा किया भी, किसी ने 50 साथी जोड़े, किसी ने 60 जोड़े, 100 जोड़े, यहां तक कि 100 प्लस साथी भी एक एक साथियों ने जोड़े। लेकिन जब दिखने में आया कि वो निरंतर जोड़ने वाले साथी, जोड़ना एक कार्य है लेकिन उनको जोड़े रखना, उनको निरंतर जोड़े रखना वो दूसरा कार्य है, तो दूसरा कार्य में हम थोड़े से स्लिप हो गए कि वो हम निरंतर नहीं जोड़ पाए, तो वो निरंतर नहीं जुड़े रहे। इस प्रकार से हमें तब समझ में आया कि जोड़ने का कार्य इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे थे। तब फिर हमारे साथियों ने पुनः चेष्टा की, पुनः प्रयास किया कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे लेकिन इस जोड़ने कार्य को निरंतर करते रहेंगे। तब हमारे साथियों ने उस जोड़ने के कारवां को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के साथ साथ में अपने इस चैलेंज को रोजाना अपने ऊपर लिया। रोज जब भी हम उठते हैं, जब भी श्रवण संघ के साथी उठते हैं, ये नए संकल्प के साथ में अपना जीवन शुरू करते हैं, नए साथियों को प्रेरित करते हैं और नए साथियों के साथ बात करते हैं, उनसे उनकी पूरी बात सुनते हैं, केवल और केवल उन्हें उठ के सुबह को कॉन्सेप्ट नहीं बताते बल्कि उनसे पहले पूरी बात सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनसे विकल्प पूछते हैं। अगर वो विकल्प नहीं दे पाते तब उनसे कहा जाता है क्या ये भी एक विकल्प हो सकता है, और तब उन्हें लगता है कि हाँ यही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तब वो साथी निरंतर मीटिंग में आते हैं, जुड़ते हैं और पुनः जोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। इस प्रकार से इस देश नहीं बल्कि दुनिया में हमें लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग निरंतर मीटिंग कर रहे हैं बगैर बुलाए, बगैर किसी निमंत्रण के, बगैर किसी आमंत्रण के, अगर आप रोजाना आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ आ गया है, आपकी समझ उच्च कोटि की बन गई है, आपकी दृष्टि, आपका विजन ऐसा हो गया है कि आपने समझ लिया है कि अब हमारा जो एक श्रमण संघ है ये इस देश के अंदर अब हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, हमारे भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता ऐसा देगा जो हमारे जो महापुरुष थे वो उस रास्ते को जितना तय कर पाए वो तय कर पाए। लेकिन अब ये श्रमण संघ, अब हम लोग, अब हम विदा पीपल, उस रास्ते को उन महापुरुषों के जितने भी विचार थे, जो जहां पहुंचाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उस कारवां को हम वहां तक लेके जाएंगे, अवश्य लेके जाएंगे। इस बात को हम पूरी तरह से ठान चुके हैं, क्योंकि इस देश में जैसे ही हम कोई कार्य शुरू करते हैं वैसे ही कोई ना कोई कहीं से चिगुफा उठता है, वैसे ही हमारे लोग दिग्भ्रमित होते हैं, वैसे ही अपने रास्ते से भटकते हैं और अपने निरंतर चलते हुए कारवां से हट जाते हैं। हमारे महापुरुषों ने जो जो रास्ते बताए उसके पैरेलल जो हमारी विचारधारा के विरोधी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने उनका काउंटर किया, उन्होंने उसके रास्ते तलाश किए और उन्होंने हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में ऐसे लगा दिया। जो होमवर्क देते हैं हम उसको करते रहते हैं, वो होमवर्क देते हैं हम उसको करते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिकायत करते रहते हैं कि हम क्या करें, ऐसा हमारे सारे अधिकार चले गए, हमारा सहरा सारा जो जहां है वो लुट गया, हमारी जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई। हम ये केवल और केवल शिकायतें करते रहते हैं या विरोधी विचारधारा के लोगों के कार्यों का बखान करते रहते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उस व्यवस्था को आज तक लागू किए हुए हैं। लेकिन श्रमण संघ के साथी ऐसा नहीं करते, उनको पता है उनका काम क्या है, उनको कोई होमवर्क नहीं दे सकता। जो भी होमवर्क देने आता है हमारे बीच में, हमारा सादर अनुरोध होता है कि उस कार्य को वो करे, बाकी साथी हमारे पूरे देश से उसके साथ रहेंगे लेकिन कार्य खुद को करना पड़ेगा। कोई भी साथी अगर ये कहे कि वो होमवर्क दे के घर निकल जाएंगे, ऐसा श्रमण संघ में संभव नहीं है। संघ में आएंगे, संघ में अगर कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो स्पोक के रूप में ये स्वीकार करेंगे कि मुझे समझ में आ गया है और मैं कार्य करने को निरंतर तैयार हूं। और अगर वो कार्य करने को तैयार होंगे तो स्वेच्छा से उस कार्य का मॉडल बना के, उस कार्य का एजेंडा बना करके वो हाउस में लगाएंगे। अगर हाउस में पास होता है तो उनको विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी समर्पण के, उनको भारत के विभिन्न कोनों से सहयोग करने के लिए साथी प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम निरंतर कमेटीज बना करके काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम नेचुरल चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही साथियों को हमारे अंदर श्रमण संघ के अंदर, विदा पीपल के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई झोल दिखाई नहीं दिया, कोई विकार दिखाई नहीं दिया, तो एक महाराष्ट्र से एक आवाज आई कि भी आप भी चेयरमैन बनाते हैं कमेटी में, तो उसको भी चेंज कर दिया गया, उस शब्द को चेंज कर दिया गया, जबकि वो चेयरमैन कमेटी अस्थायी रूप से होती है, केवल कार्य संपादन के लिए होती है, कार्य संपादित होने के बाद उस कमेटी का जो है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी हाउस में एक बात आई, उस बात पर विचार किया हमारे साथियों ने और उसका नाम रखा फिर उपठाक। वो चेयरमैन अब नहीं बोला जाता, अब जो भी कार्य साथी कार्य करते हैं उसमें जो लीड करने वाला होता है, जो मॉडल तैयार करने वाला होता है साथी, उसको उपठाक के नाम से जाना जाता है। और उपठाक शब्द पाली से लिया गया है, जिसका हिंदी में शब्द का अर्थ होता है सेवक, सेवा करने वाला। तो अब हमारे किसी भी शब्द में अब ऐसा एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमें शब्दों से एहसास होता है, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चेयरमैन, ये शब्द ऐसे हमारे पाए हैं हमने, हमें जीवन भर इसका ऐसा गुमान रहता है कि अगर हमें ऐसा ना फील हुआ तो शायद हमारी जिंदगी कम हो जाएगी, हमें ऐसा लगेगा हमारा सम्मान कम होना शुरू हो गया, हम शायद उस समानता के लेवल में आते हुए अपने आप को घबराते हैं। तो बहुत सारे शब्द हमने अपने ऐसे गढ़ रखे जीवन में कि जो हमें कहीं से मिले नहीं थे, केवल महापुरुषों के त्याग के बल पर मिले थे, लेकिन हमने जीवन में उनको अपने ऊपर ऐसा ऐसा दिमाग में बिठा लिया कि अगर हम उनको नहीं मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं से परेशानी होती है। तो ये सारी चीजें हमारे श्रमण संघ के साथी पूर्ण रूप से त्याग चुके हैं, ये पूरी तरह से वो इनसे दूर हो चुके हैं, बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ल दिखाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है,
उन्हें कहीं अपने नाम की कोई कहीं आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार के दिखावे में कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी वो कार्य कर सकते हैं उसको पूर्ण मनोयोग से करते हैं, और जिस कार्य में भी उनको लगाया जाता है उस कार्य में लग जाते हैं, स्वेच्छा से लगते हैं, पूरी शक्ति से लगते हैं। तो इस प्रकार ये निरंतर जुड़ने और जोड़ने का कार्य जो है निरंतर आगे चल रहा है, इसमें सभी साथी योगदान दे रहे हैं और इसमें अपना निजी काम समझ के योगदान दे रहे हैं। अब तक हमने कभी किसी भी चीज को निजी कार्य नहीं समझा अपने, अब तक हमने कभी किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को, हमने केवल कुछ लोगों ने उसको निजी लेवल तक लाके छोड़ दिया, वो विरोधी विचारधारा के जो कॉन्सेप्ट थे उन पर हमने कार्य किए, लेकिन अब हम वास्तव में अपने महापुरुषों की विचारधारा पर कार्य करने के लिए तत्पर हो गए हैं। हम तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक इस कारवा को हम वहां तक नहीं लेके जाते जहां तक कम से कम महापुरुषों ने लाके छोड़ा था। उसके बाद में हमारे पास एक ऐसी बाढ़ सी आने वाली है, क्योंकि इस देश के हम ही लोग नहीं है जो ज्यादा ईमानदार हों, हम ही नहीं है कोई किस संघ में योगदान देने वाले हों, बहुत सारे लोग पैदाइशी लोग हमारे सारे श्रवण संघ के हिस्सा हैं, लेकिन अगर अभी किसी तरह से इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, उनके पास तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो हम ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के और देश के बाहर रहने वाले जितने भी श्रवण संघ के साथी हैं हम वहां तक पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, हर हालत में उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे और इस जुड़ने के कारण को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम निरंतर कह रहे हैं हम जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। इसलिए इस जुड़ने के कारण को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी साथियों को जय भीम, नवोदय, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sing.
साधु साधु साधु।